सुखू और प्रतिभा सिंह के परिवार की राजनीतिक दुश्मनी की कहानी 11 साल बाद भी नहीं दूर हुई कड़वाहट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैंसी वाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में मौजूदा वक्त में जो राजनीतिक संकट देखने को मिला, दरअसल वो डेंट आज का नहीं बल्कि कई साल पुराना है। भले ही कांग्रेस हालात को अंडर कंट्रोल बता रही हो, लेकिन संकट के बादल अब भी छटे नहीं हैं। दरअसल सुक्खू सरकार पर मंडरा रहे राजनीतिक संकट के पीछे सुक्खू और प्रतिभा सिंह के परिवार के बीच की पुरानी राजनीतिक दुश्मनी को बताया जा रहा है। अब ये दुश्मनी क्यों है, एबीपी लाइव की इस रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताएंगे। प्रतिभा सिंह, जिनके पति दिवंगत वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री रहे, वो आज हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन वीरभद्र सिंह के निधन के बाद अगर किसी का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे आगे चल रहा था तो वो थी प्रतिभा सिंह। लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने हिमाचल की कमान सुखविंदर सिंह सुक्खू को सौंप दी, जिसके बाद से कई मौकों पर प्रतिभा सिंह की नाराजगी भी देखने को मिली। अब हम आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। वीरभद्र सिंह के परिवार और सुक्खू के बीच राजनीतिक दुश्मनी करीब 12 साल पुरानी है। साल था 2013, जब कांग्रेस ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। सुखविंदर सिंह सुक्खू जब प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए तो उन्होंने वीरभद्र सिंह के गुट के कार्यकर्ताओं और नेताओं को अहम जिम्मेदारियों से हटा दिया, या कहें उन्होंने पूरे संगठन में ही बदलाव कर दिया था। इस बात से वीरभद्र सिंह काफी नाराज हो गए थे। एक वक्त वो भी था जब विक्रमादित्य सिंह के पिता वीरभद्र सिंह सार्वजनिक तौर पर सुक्खू को फटकार लगाने से भी बाज नहीं आते थे। यहां तक कि उन्होंने साल 2017 के हिमाचल प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस की हार के लिए सुक्खू को जिम्मेदार ठहराया था। उस वक्त वीरभद्र सिंह ने कहा था कि सुक्खू में संगठन संभालने की क्षमता नहीं है और उन्होंने ऐसे लोगों को जिला पदाधिकारी बना दिया है जिनका कोई राजनीतिक वजूद ही नहीं है। लेकिन सुक्खू भी चुप रहने वाले कहां थे। उन्होंने वीरभद्र सिंह पर पलटवार करते हुए उन पर विपक्ष की नीतियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने उस वक्त कहा था कि वीरभद्र जी पार्टी के सभी प्रमुख नेताओं के विरोधी हैं। वो पूर्व मुख्यमंत्री रामलाल ठाकुर, केंद्रीय मंत्री सुखराम और वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा और विद्या स्टोक्स का विरोध करते हैं। अब बात करते हैं साल 2012 की, जब नदौन सीट से विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी वीरभद्र सिंह सुक्खू के खिलाफ अड़े रहे। आखिरकार सुक्खू की जगह कुलदीप सिंह राठौर को अध्यक्ष बनाया गया। अब आते हैं जनवरी 2019 के दौर में, जब सुक्खू से प्रदेश की कमान ले ली गई। कहते हैं कि इस फैसले से दुखी होकर सुक्खू के समर्थक 2019 के आम चुनावों में पार्टी का प्रचार करने की बजाय घर पर बैठ गए थे। हिमाचल की राजनीति के जानकारों का कहना है कि वीरभद्र सिंह सुक्खू से इसीलिए चिढ़ते थे क्योंकि वो उनके प्रतिद्वंदी सुखराम के नजदीकी थे। राजनीतिक विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि दोनों के बीच टकराव की वजह उनकी अलग अलग पृष्ठभूमि है। वीरभद्र सिंह का ताल्लुक राज परिवार से था। सुक्खू के पिता हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम में बस ड्राइवर थे। सुक्खू युवावस्था में छोटा शिमला में दूध बेचने का काम करते थे। कुछ लोग ये भी कहते थे कि वीरभद्र मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे, जबकि सुक्खू ने कांग्रेस में छोटे कार्यकर्ता से काम शुरू किया। दोनों का राजनीतिक सफर भी अलग अलग रहा है। वीरभद्र सिंह ने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग जगह बनाई और सिर्फ 28 साल की उम्र में सांसद बन गए। वहीं सुक्खू ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस के स्टूडेंट विंग NSUI से की। 1998 में वो राज्य में यूथ कांग्रेस के प्रमुख बने। वीरभद्र सिंह और उनकी उम्र में भी काफी फासला था। जहां वीरभद्र हमेशा हाई कमान के साथ खड़े दिखते थे, तो वहीं सुक्खू ने राजीव शुक्ला, आनंद शर्मा और राहुल गांधी के साथ नजर आते थे। कहते हैं कि सुक्खू इनके साथ अपने रिश्तों को मजबूत करते रहे। 8 जुलाई 2021 में वीरभद्र सिंह का निधन हो गया, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनके परिवार और सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच की जंग खत्म नहीं हो सकी। इस बार वीरभद्र सिंह की पत्नी और विक्रमादित्य की मां प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री बनना चाहती थीं, लेकिन हाई कमान ने प्रतिभा सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी। प्रतिभा सिंह का कहना है कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी थी वो उसके ऊपर खरी उतरी है। हाई कमान वीरभद्र परिवार की अनदेखी नहीं कर सकता है। उनका ये इशारा CM कुर्सी की ओर था, लेकिन वीरभद्र सिंह के निधन के बाद भी हिमाचल कांग्रेस में अंदरूनी झगड़े रुके नहीं। विक्रमादित्य सिंह अक्सर सुक्खू के विरोध में आवाज उठाते रहे हैं। पिछले महीने भी प्रतिभा सिंह ने चेतावनी दी थी कि पार्टी में
सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और कई विधायक खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। सुक्खू पर आरोप लगाते गए कि वो वीरभद्र सिंह के वफादारों को एक एक कर किनारे करते जा रहे हैं। हालांकि इस संकट के बीच सुक्खू ज्यादातर विधायकों को अपने पाले में करने में सफल रहे। वहीं कांग्रेस भी ये संदेश देना चाह रही थी कि वो राज परिवार के इतर किसी आम कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री जैसा अहम पद दे सकती है, जिसको लेकर हमेशा बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर रही है। बहरहाल ये लड़ाई अभी और कितना चलेगी ये देखना होगा। रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स आप देखते रहें एबीपी लाइव पर।